गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटे, आज हम लोग करेंगे हमारे इश्यू और डिबेंचर्स का लास्ट टॉपिक विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो बेटे, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि हम डिबेंचर्स को जब डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं या डिबेंचर्स के लिए जब रिडीम करते हैं तो बेटे हम डिबेंचर्स प्रीमियम पर इश्यू करते, प्रीमियम पर रिडीम कर देते हैं, तो बेटे उस केस में कंपनी को क्या होता है, लॉस होता है एज पर सीबीएसई गाइडलाइन। अगर मान लो कंपनी को इस तरह का लॉस होता है, लॉस हो इश्यू पे होता है, डिबेंचर्स को रिडेम्पशन करने पे होता है, तो डिस्काउंट देने से होता है, तो बेटे इस तरह के लॉसेस को कवर करने के लिए क्राइटेरिया बनाया गया है, वो क्या है बच्चों, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में से हम लॉस को कवर करेंगे, ओके। अगर लॉस ज्यादा है फिर जनरल रिजर्व में से करेंगे, और लास्टली स्टूडेंट हम लोग इस लॉस को कवर करेंगे स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस से। तो क्या एंट्री बनेगी बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पर बेटे हम लोग बेसिकली जो हमारा लॉस है उसको प्रॉफिट में से क्या कर लेंगे, फाइनली कवर कर लेंगे। पहले हम लोग करेंगे बच्चों स्टेप है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद अगर हमारा बेटे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स या फिर बेसिकली लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स बहुत ज्यादा है तो बेटे उसके बाद हम लोग किसमें से कवर करेंगे बेटा, जनरल रिजर्व में से, और उसके बाद फाइनली हम लोग करेंगे स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। बेटे इसी रेफरेंस में हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। रीड द क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2019 कंपनी ने इश्यू किए हैं बच्चों 40,000 डिबेंचर्स। अब देखो बेटे 40,000 क्या है बच्चों इसमें, डिबेंचर्स, ओके। तो 40,000 डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है, यहाँ पर बेटे 100 रुपीज के हिसाब से ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 40,000 डिबेंचर्स की वैल्यू, ये कितनी है बच्चों 40 लाख रुपीज, कितनी है 40 लाख। देखो बेटे इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या कह रखा है कि डिबेंचर्स को हमने 100 रुपए का डिबेंचर है बच्चों इशू कितने में किया है, 6% एट डिस्काउंट। तो बेटे यहाँ पर डिस्काउंट कितने का है, 600 रुपीज का है, तो बेटे हमने डिबेंचर्स को इशूइंग प्राइस कितने है बच्चों, इशूइंग प्राइस है बच्चों डिबेंचर्स का 94। और अब देखो बेटे ये तो इशू से रिलेटेड है, और रिडेम्पशन कितने में कर रहे हैं बेटे हम इस क्वेश्चन में, 100 रुपीज का डिबेंचर है, और बेटा जो रिडेम्पशन है बेटे वो एट प्रीमियम है, और एट प्रीमियम रिडेम्पशन कितने का है बच्चों 2 रुपीज का, ठीक है। तो बेटे इसका मतलब हम डिबेंचर्स को कितने में इशू करें, कितने में रिडीम करेंगे, वापस कितने में करेंगे बच्चों 102 के अंदर इशू करेंगे डिस्काउंट पे, और रिडेम्पशन करेंगे प्रीमियम पे। पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एकदम से पता चलना चाहिए कि आप क्वेश्चन को कितने, क्वेश्चन में डिबेंचर्स को कितने में इशू कर रहे हैं और कितने में रिडीम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये कौन सा केस बन गया, डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम, क्योंकि हम लोग रिडेम्पशन किस पे कर रहे हैं बच्चों एट प्रीमियम। देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन, कम टू द क्वेश्चन। अब देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर 7% डिबेंचर्स हैं, 40,000 है, और बेटा 6% का मतलब क्या है कि हम 94 में इशू कर रहे हैं, उसके अलावा बेटे 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन है। तो बेटे सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। इसके लिए बेटे आप लोग एज यूजुअल नरेशन करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है कितने शेयर्स पर, सॉरी कितने डिबेंचर्स पर, 40,000 डिबेंचर्स पर एप्लीकेशन मनी है बच्चों एट ए रेट ऑफ 40 रुपीज, ठीक है बेटे। ये हो जाएगा बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारा बेसिकली 16 लाख, ओके। अब आप लोग एंट्री करोगे 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आप पैसे को ट्रांसफर करोगे डिबेंचर्स में। अब क्या एंट्री करोगे, 27% डिबेंचर्स अकाउंट 16 लाख। आगे देखिए बेटे, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो बेटे आप क्या एंट्री करते हैं, 7% डिबेंचर्स, यहां थोड़ा सा स्पेस छोड़ती हूं ताकि मैं आपको क्वेश्चन को समझा सकूं, 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन तो आ चुकी है बच्चों, इट्स अलॉटमेंट
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके, अब देखो बेटे यहां पर तो बेटे क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करते हैं कि अमाउंट कैसे कैसे आएगी, हम लोग क्या करें, अलॉटमेंट मनी ड्यू कर रहे हैं। अब यूं देखो बेटे, हमारे पास जो डिबेंचर है वो 100 रुपीज का है। ओके, 40 रुपीज किस चीज के हैं बच्चों, एप्लीकेशन के। ओके, और 60 रुपीज है बच्चों यहाँ पर अलॉटमेंट के। तो बेटा ये 60 रुपीज जो है उसके अंदर बेटे बेसिकली अगर हम बात करें 6 रुपीज क्या है, 60 में से 6 माइनस करेंगे क्योंकि 6 रुपीज किस चीज के हैं बच्चों, डिस्काउंट के। तो इसका मतलब हमारे पास अलॉटमेंट आएगी 54 की। दोबारा से सुनिए, टोटल 100 रुपीज का डिबेंचर है, 40 एप्लीकेशन के हैं, 60 रुपए अलॉटमेंट के। आप सबने पढ़ा था ना कि अलॉटमेंट पे बेसिकली कितना है अलॉट, अगर हमें क्वेश्चन में नहीं कह रहा तो हम क्या मानते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन में डिस्काउंट किसके साथ होता है, अलॉटमेंट के साथ। तो 6 रुपए बेटे डिस्काउंट के घटा दे, कितना आ गया 54। तो बेटे आप लोग इस क्वेश्चन में क्या दिखाएंगे कि 40,000 डिबेंचर्स पर जो पैसे आएंगे बेटा कितने के आएंगे, 54 के हिसाब से। हमारे डिबेंचर्स की वैसे एक्चुअल अलॉटमेंट वैल्यू कितनी है बच्चों, 60 रुपीज। ओके, उसके बाद बेटे 40,000 डिबेंचर्स पर। अब देखो बेटे हम लोग बेसिकली 2 रुपए ले रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग इस क्वेश्चन में क्या ले रहे हैं, क्या है बेटा ज्यादा है। तो इसका मतलब हम लोग जब ड्यू पेमेंट करेंगे तो हम लोग 2 रुपए ज्यादा पे करेंगे। तो यहाँ पर बेटा प्रीमियम और रिडेम्पशन क्वेश्चन में कितना आया, 2 रुपीज का। तो बेटे इसके बाद हम क्वेश्चन में देखेंगे कि लॉस कितना हुआ है, नेचुरली क्वेश्चन में लॉस हुआ है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। देखो बेटे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगा 21,60,000 और यहाँ आ जाएगा बेटे हमारे पास क्वेश्चन में 24 लाख। ओके, यहाँ जाएगा बेटे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बेसिकली 80,000। अब देखो बेटे इस पॉइंट को ध्यान से समझना, देखो बेटे 80,000 का तो हमें ज्यादा देने इसलिए नुकसान है। ओके, और 6 रुपए बेटा बेसिकली, तो देखो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताती हूँ अलग से, लॉस ऑन इश्यू मैंने इस क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट किया है। एक तो बेटा 40,000 डिबेंचर्स पर हमें कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है, 6 का। एक तो बेटा लॉस हमें ये है, प्लस 40,000 डिबेंचर्स पे हमें 2 रुपए का क्या देना पड़ रहा है, प्रीमियम। तो बेटा ये आ गया 2,40,000 प्लस 80,000, दैट इज इक्वल टू 3,20,000। ओके, तो बेटे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हमारे क्वेश्चन में कितना है, 3,20,000। ओके, तो बेटा अब आप करोगे इसमें अलॉटमेंट मनी ड्यू, उसके बाद आप रिसीविंग दिखाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, कितने की आ जाएगी बच्चों, 21,60,000। यहां आ जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब इसके बाद देखिए बेटे इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग बेटे ये जो लॉस हुआ है हमें क्वेश्चन में, कितने का लॉस हुआ है बेटे, 3,20,000 का, इसको कैसे कवर करेंगे। तो मैंने बताया था ना आपको इसके अंदर कि सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, उसके बाद जनरल रिजर्व से, अगर लॉस बहुत ज्यादा है तो उसको फिर प्रॉफिट में से। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास लॉस कितना है, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, बेटे हमारा लॉस है क्वेश्चन में 3,20,000। ओके, तो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, उसके बाद बेटे हमें क्वेश्चन में दे रखा है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो देखो बेटे पहले लिख लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम है क्वेश्चन में 1,20,000 का, जनरल रिजर्व है 1,50,000 का, ये तो अभी भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि बेटा प्रॉफिट लॉस तो कितने का, 3,20 का, और यहाँ पर बेटे रिकवर कितना हो रहा है, सिर्फ 2,70,000।
उसके बाद बेटे क्वेश्चन में हमें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट भी दे रखा है, तो बेटे 2 लाख के प्रॉफिट में से 50,000 हम लोग निकाल लेंगे और इसको क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000। 2 लाख के प्रॉफिट में से अब हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, हमने लॉस को क्या कर दिया स्टूडेंट, रिटर्न ऑफ कर दिया। तो बेटे सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में से करोगे, फिर जर्नल रिजर्व में से, फिर स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। तो देखो बेटे, बेटा इसी रेफरेंस में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 20,000 डिबेंचर्स है, एक डिबेंचर 100 रुपीज का है। तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन में आ गए 20 लाख के डिबेंचर्स। अब देखो बेटे हम लोग इशू कैसे कर रहे हैं डिबेंचर्स को, डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, यानी कि 100 रुपीज का जो डिबेंचर है 4 रुपीज क्या है बेटा, डिस्काउंट है। तो बेसिकली बच्चों इशूइंग प्राइस कितना है इस क्वेश्चन में, 96। ओके ये क्या है बच्चों, इशू प्राइस। अब हम बात करते हैं रिडेम्पशन की, कि हाउ टू रिडीम द डिबेंचर। तो बेटा रिडेम्पशन के लिए आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 रुपीज का डिबेंचर है और 5% क्या है स्टूडेंट, प्रीमियम। तो ये आ गया बच्चों 5 रुपीज। तो बेसिकली हम लोग डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे 105 में। तो ये आ गया बेटे रिडेम्पशन प्राइस, बस यही इंपॉर्टेंट है बेटे आपके लिए। ये भी वही टॉपिक बन जाएगा बेटे कि इश्यू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो बेटे सबसे पहले आप लोग अमाउंट लिखेंगे एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर बेटे हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगा कि बेसिकली हम लोग कितना कर रहे हैं, टू कितने परसेंट डिबेंचर है हमारे, 9% डिबेंचर्स कितने के हैं बच्चों, 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो बेटे यहां पर आप क्या लिखोगे, बेसिकली हमारे पास डिबेंचर्स कितने हैं, 20,000 डिबेंचर्स आर इश्यूड, कितने में इश्यू कर रहे हैं, इश्यूड एट यहां पर 4 रुपए का क्या है बच्चों डिस्काउंट है, तो 96 में करेंगे तो बेटे आ जाएगा 19,20,000, कितना आ जाएगा 19,20,000। उसके बाद बेटे आप एडजस्ट करेंगे 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। उसके बाद बेटे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है 5 रुपए का, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके अब देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर डिबेंचर्स कितने के हैं बच्चों, 20,000 के हैं, और बेटा डिबेंचर्स की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बेटे, 100 रुपए की। तो बेटे यहां पर आ जाएगा 20 लाख, कितना आ जाएगा बच्चों 20 लाख। ओके उसके बाद बेटे यहां पर हमारे जो बेटे बेसिकली डिबेंचर्स हैं, ठीक है ना, यहाँ आप निकाल के देख लो कि प्रीमियम कैसे निकालोगे आप लोग, 20,000 डिबेंचर्स हैं, 5% प्रीमियम, लेकिन 20,000 तो डिबेंचर हैं, तो हम 20,000 डिबेंचर्स पे नहीं बच्चों, 20 लाख का निकालेंगे बेटा 5%। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1 लाख, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ओके वैसे आप क्या लिख सकते हो कि 20,000 डिबेंचर्स हैं, 5 रुपीज प्रीमियम है, ये भी ठीक है बच्चों 1 लाख। ओके अब देखो बेटे तो हमें लॉस तो होगा ही, लॉस दो तरह से होगा, वही बेटा 1 लाख रुपए तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। ओके और बेटा 80,000 रुपए, क्योंकि 20,000 × 4 हमने डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमारे 1,80,000 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन के अंदर 1,80,000 हमारा आ जाएगा बेटे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बेटे आप इसको डेबिट कर दोगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा यहाँ तो आ जाएंगे 19,20,000 और ये आगे बेटा हमारे 1,80,000। ओके आगे देखो बेटे इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या है, तो बेटे इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 31 मार्च को कंपनी क्लियर करेगी, कंपनी का लॉस है, लॉस तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग बेटे कहां से राइट ऑफ करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि जनरल रिजर्व है हमारे पास, जनरल रिजर्व बेटे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है आपके क्वेश्चन में 1,50,000, और बेटा
हमारा जो लॉस है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये दे रखा है बच्चों हमारे क्वेश्चन में बेसिकली 1,80,000 का। तो बेटा ये जो 30,000 है ये हम लोग कहां से लेंगे बच्चों, स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 30,000। फिर आप लिख देंगे बच्चों सेम नरेशन, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी के प्रॉफिट सर्विस को क्या कर लिया, राइट ऑफ कर दिया। बेटे आपकी बुक के अकॉर्डिंग दोनों भी बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आपको कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मुझे बताएं, और मेरे ख्याल से बेटे इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है कि आपको टॉपिक को क्लियर किया जाए। बार बार बेटे बेसिकली एक कॉन्सेप्ट को करते हो ना तो वैसे भी समझ में आ जाती है, वीडियो को एक बार देखो दो बार देखो, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा करने से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स ट्राई योर सेल्फ, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।